मिसाल है, जैसे नमाज शब है, आपको मालूम है नमाज शब की फजीलत कितनी है, नमाज शब की कितनी फजीलत है, या 8 रकात नमाज और उसके बाद 2 रकात नमाज शब और 1 रकात नमाज वेतर, ये 11 रकात नमाजें जिसे नमाज तहज्जुद भी कहते हैं, ये नमाज तहज्जुद, नमाज शब, नवाफिल शब, इनकी कितनी फजीलत है, ये याद रखिएगा। कोई भी मकाम सैरो सुलूक व इरफान में एक के नहीं बढ़ सकता अगर नमाज शब का पाबंद ना हो। नमाज शब दरवाजे खोलती है, नमाज शब राहें रोशन करती है, नमाज शब जीना बजीना उस बुलंदी के सीढ़ियों पर ऊपर बुलंद करती है, ये नमाज शब है। बगैर नमाज शब के नामुमकिन है कि कोई शख्स मारिफत के दर्जों में, हकीकी मारिफत के दर्जों में आगे बढ़ जाए। मुस्तहब है, सुन्नत है, खुद हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर नमाज शब वाजिब थी, लेकिन उम्मत पर नमाज शब वाजिब नहीं है, फर्ज नहीं है, बल्कि मुस्तहब है, सुन्नत है, मुअक्कद मुअक्कद है, सुन्नत मुअक्कदा है, ताकीद की गई है, पढ़ें, जरूर पढ़ें। इस कदर महबूब है ये नमाज हुजूर को और अहले बैत को कि इसकी मिसालें फजाइल में भी हैं और मसाइब में भी। यानी जनाब सैयद सज्जाद की गवाही है के करबला जैसा वाकया गुजर गया और करबला के बाद असीरी का जमाना गुजरा और बीबी जनाब जैनब की नमाज शब भी कभी कजा नहीं हुई। और हमारे यहां ये नमाज शब की अहमियत, लेकिन किसी में ये जुरात है कि वो नमाज शब के लिए कहे कि इसे जमात से पढ़िए? ये मुस्तहब है, सुन्नत है, सुन्नत मुअक्कदा है, और इसे इंडिविजुअली पढ़ना है, तन्हा पढ़ना है। पूरा घर पढ़े मगर हर एक अलहदा अलहदा फुरादा नियत से पढ़ेगा।